बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एस टी वी व्लॉग्स। मैं हूँ नियाज हुसैन लिगारी। आज बात करेंगे ये जो मरी में कुछ दिन पहले सानिया हुआ है, ना इंतज़ामिया ने कुछ ऐसा किया, ना जो वहाँ रहते थे उन्होंने कुछ ऐसा किया। जो रहते थे उनका भी फ़र्ज़ बनता था कि इस टाइम उनको काम आना चाहिए था, क्योंकि इंसानी जानों का मसला था। बहुत जाने ज़ाया हो गई, बहुत ही जाने ज़ाया हो गई। और जो है ना, इंतज़ामिया ने भी ये जल्दी कोई कदम नहीं उठाए। बहरहाल हमें बहुत दुख हुआ, अफसोस की बात है। अगर ऐसा कुछ हो तो मदद करनी चाहिए। हम मुसलमान भाई हैं, जो भी हों उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में काम आना अच्छी बात है। और अपने हुजूर ने भी ये फरमाया है कि किसी के बुरे वक्त में काम आया करो। और जो उधर हमने सुनी थी होटलों की बात, तो होटल एक कमरा 50,000 एक नाइट, बहुत ही दुख हुआ हमें, बहुत ही अफसोस की बात है। बस अल्लाह पाक रहम करेगा। कोशिश की जाए कि इसी टाइम बंदा किसी के काम आ जाए, किसी में जो है ना ये लालच ना रखे। और इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ जो है ना मज़ीद कदम उठाएं। और ये जो होटल वगैरह थे जिन्होंने इतने रखे डिमांड रखी थी, उनमें उन पर जुर्माना आयद किया जाए, ताकि वो आइंदा के लिए ना करें। बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुँचे और उन पर जुर्माना आयद किया जाए जो भी होटल हैं उधर, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत किया, बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया। हमें दिल से दुख है। अल्लाह पाक जो भी वहाँ पे मर गए उनको जन्नत अल-फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और सब्र कमला अता फरमाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।